उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान से ड्यूटी कर वापस जा रही पीएससी के बस नए बस स्टैंड पर बने हाइट रेलवे ब्रेकर में फंस गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। गुरुवार को मथुरा के नए बस स्टैंड के समीप लगे लोहे के हाइट ब्रेकर में श्री कृष्ण जन्मभूमि से ड्यूटी कर वापस जा रही पीएससी की बस हाइट ब्रेकर में फंस गई। ड्राइवर की लापरवाही के चलते रेलवे पुल के नीचे से बस तो निकल गई, परंतु आगे लगे हाइट ब्रेकर में जा फंसी, जिसके चलते ऊपर से छत टूटी और अंदर बैठे पुलिसकर्मी सहम गए। पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई, जिससे वहां का माहौल कुछ अलग ही हो गया। वही ड्यूटी कर रेलवे के कर्मचारियों को घटना की जानकारी दी गई। इसी बीच काफी देर तक दोनों तरफ से वाहनों की रफ्तार थम गई और लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस ने दोनों तरफ से रोड को रुकवाया और पीएससी की बस के पहियों की हवा निकाली। जैसे ही पीएससी की बस की हवा निकालने के बाद बस की हाइट कुछ कम हुई और बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, परंतु रेलवे का हाइट ब्रेकर इससे क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना आला अधिकारियों को दी गई। इस संबंध में बड़ा सवाल उठता है कि पुलिसकर्मी ड्राइवर की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हो सकता था। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होता, रेलवे या पीएससी पुलिस? आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा दोनों तरफ रेलवे हाइट ब्रेकर लगाए गए, फिर भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है। मथुरा से हमारे सहयोगी मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। गोविंदास की मैन, आप क्या काम करते हैं रेलवे? रेलवे में की मैन हूँ मैं। अच्छा, यहाँ जो नए बस स्टैंड के समीप जो पुल बना हुआ है, वहाँ एक पीएससी की गाड़ी फंस गई थी। कितनी देर गाड़ी फंसी रही है और क्या स्थिति है? ये कम से कम आधा घंटा गाड़ी फंसी रही है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये हाइट ब्रेक कभी भी गिर सकता है। अच्छा, ये जो पीएससी की गाड़ी से टूट गया है हाँ, तो मैंने साहब को नोट करा दिया इसकी। तो क्या ये अभी जो रेलवे के लोग हैं सूचना के बाद यहाँ आ रहे हैं? नहीं, तो अभी तो मतलब सूचना भेजी है, अब जब तक वो आ जाए लेके। तो जिस गाड़ी कैसे निकाली गई इसके पुल से? उसकी हवा निकाली, उसकी ऊपर की छतरी तोड़ी गई। अच्छा, फंस कैसे गई? पीछे भी तो क्या चीज़ उसमें नहीं? अब ये तो मैंने नहीं देखा है उसको। आधा घंटा या पुल गिर सकता है अगर? नहीं, अभी मतलब अगर कोई टच हो जाएगा तो गिर सकता है, दूसरा वाहन अगर टच हो सकता है तो गिर भी सकता है। गोविंदास की मैन, आप क्या काम करते हैं रेलवे? रेलवे में की मैन हूँ मैं। अच्छा, यहाँ जो नए बस स्टैंड के समीप जो पुल बना हुआ है, वहाँ एक पीएससी की गाड़ी फंस गई थी। कितनी देर गाड़ी फंसी रही है और क्या स्थिति है? ये कम से कम आधा घंटा गाड़ी फंसी रही है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये हाइट ब्रेक कभी भी गिर सकता है। अच्छा, ये जो पीएससी की गाड़ी से टूट गया है पुल जो है? हाँ, तो मैंने साहब को नोट करा दिया है इसकी। तो क्या ये अभी जो रेलवे के लोग हैं सूचना के बाद यहाँ आ रहे हैं? नहीं, तो अभी तो मतलब सूचना भेजी है, अब जब तक वो आ जाए लेके। तो जिस गाड़ी कैसे निकाली गई इसके पुल से? उसकी हवा निकाली, उसकी ऊपर की छतरी तोड़ी गई। अब ये तो मैंने नहीं देखा है उसको। आधा घंटा या पुल गिर सकता है अगर? नहीं, अभी मतलब अगर कोई टच हो जाएगा तो गिर सकता है, दूसरा वाहन अगर टच हो सकता है तो गिर भी सकता है। आज तक तो